कैसे निकलोगे, जगह छोड़ोगे, क्योंकि ये ऐसे होके कैसे जाएंगी, ऐसे तो जा नहीं सकती, ऐसे हमारी दिक्कत आएगी और तुम काम ना हो गए। इनको जगह दो ताकि यहाँ से निकल के पीछे ठीक है। आप इधर को आए थे फिर मैं साड़ी किसने मांगी थी, अभी जो करवा चौथ कह रही थी तू थी क्या, ये ले। अबे करवा चौथ के नाम से दो केले नीचे गिरे हैं, क्या चक्कर है, पति है ना पड़ोस के पति से तू करवा चौथ नहीं करेगी, पता नहीं केला क्यों गिरा दे मुझे, बस में ही है तो बस में ही है तो टैक्सी कर ले। पता नहीं मैं हर तरह जन्म नहीं होता, अच्छा नहीं होता, कोई केला पड़ा है कि नहीं जाना मैंने, नहीं जाना मैंने, नहीं जाना मैंने। दो करवा चौथ तो नहीं होती, अच्छा कोई नहीं है पहन ले, अच्छा रोना नहीं है, रोएगी भी नहीं, आंसू तो निकलने ही नहीं थे, क्या कर लेना ले, कोई बात नहीं, नीचे गिर गया तो बाहर देना, कोई बात नहीं, हम उठा के दूसरा दे देंगे, ये हो गया कि तेरे वाला भी ऐसे ही है।
बेटियों की शादी हुई है ना, तो जो नई नवेली है वो है नहीं क्या? जो भी हुई जाती है। हाँ ये ले लो, किसकी होनी है ये ले, लाल वो दे चुनी। देख मेरे वाला तो मैं दूंगी नहीं। अगर तू किस्मत मांग रही है, दूसरे का नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा होना चाहिए, वो ही चाहिए। बेटा किस्मत वाला एक ही है फिर, दूसरा तो प्रकट हुआ ही नहीं। फिर मैं अकेले रहूंगी, इसको मुझे मेरा दे दूं ना। दीदी का लोगो मेरा लगो, सबका पर्सनल लोगो, वो तो अलग अलग बॉयफ्रेंड बना के रखेगी, पति कभी नहीं छोड़ के भागेगा। अगर तू पति बना लेगी ना तो फिर दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ लेगा। तू गर्लफ्रेंड बना के, मैं ये जनानियों को भी कहूंगी कि पतियों के साथ गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग लेके आए, अच्छा नहाए, अच्छा धोए, अच्छा उसको खिलाए, अच्छा खुद खाए, तो बाहर भटकने की लोड़ नहीं होगी आदमियों को। समझ में आ रही है? तुम बन जाती हो 60 साल की नई नई जवानी में। लड़कियों पे इंटरेस्ट तो नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन है, लड़कियां बहुत सारी है। मम्मी कहते तू रोमांटिक पिक्चर देखा कर ताकि तुझे फीलिंग आया। फिर भी मेरे पे लोग बोलते हैं कि तेरे बॉयफ्रेंड है, तेरा इतना कुछ भी बोल देता है कोई।
मेरा बहुत दिल दुखता माँ इस चीज से। तुझे इंटरेस्ट किस चीज में, कैसा लड़का चाहिए तुझे? माँ अच्छा सच्चा वफादार होना चाहिए। तो तेरा पति नहीं है क्या? क्या कहता हूँ वो तो कब तो मेरा डाइवोर्स हो गया, वो तो एक ही महीना में। अभी पूरी बात बता दो क्या काम का। माँ मेरी शादी हुई थी बहुत साल पहले, तो एक ही महीना मेरा मतलब कि मैं रही थी वहाँ पे, लेकिन मेरा उसके साथ वो ऐसे ऐसे नहीं हुआ भैया। इतनी बेइज्जती कभी महसूस नहीं हुई जितनी आप। देवी जी ग्रहण करें, आप तेरा और नारियल ग्रहण करें, उसके बाद हमें जरूर बताएं पति के नजदीक जाके क्या। देखिए घर बसाना है तो पति को मनाना होगा। ऐसे घूंघट निकालिएगा सुंदर सा सिंगार कीजिएगा, हो जाइएगा पार्लर जाइएगा। हम बता रहे हैं आप सुनिए, अगर हमसे अगर कुछ चाहती हैं ठीक है, उसके बाद आप डीपी लगाइएगा सेक्सी वाली उसी ट्रिक में अपनी व्हाट्सएप पे, वो डीपी जरूर देखेगा। चल आदमी जहां कहां भी घूम रहा हो लेकिन उसकी याद पति से पत्नी से जुड़ी होती है। माँ बोल रही है अरे और कौन सा देगी। इंटरेस्ट भी नहीं है दूसरा भी नहीं है। ये केस बड़ा उल्टा आया। क्योंकि मुझे पूजा करना चाहता है कि मेरी मम्मी मना करती है कि तू पूजा मत किया कर। काहे पति पति कर रही है भैया? नहीं उसमें मां जान नहीं आता लेकिन मत। अरे वो महादेव बनाएंगे तू क्या ही बनाएगी भैया, वो अपने आप देखते पूरे जगत का पिता है तो वो देख लेंगे कहाँ फिल्म है तेरी कहाँ नहीं है, जब एक थप्पड़ लगेगा। हाँ महादेव है जब बच्चे बिगड़ जाते थप्पड़ ही लगता है जब हम पे लाइन मारेंगे तो माँ फिल्म बताओ बताओ आप कहा तो बता देता है माँ आप तो मारते लाइन आप सपने में तो आ जाते हो। हम क्लास है ना तुम्हारी, अभी तो बच्चा लोग बैठा हम नहीं ले सकता, अब बाद में देखेगा हमारा घूमट होगी तो बाद में। इतना शर्म आ गया हमें क्या करें। बेटा भैया
ये करो।